अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हमने स्किन हाइजीन के बारे में पढ़ना है। स्किन हाइजीन कहते हैं जिल्द की साफ़ सुथराई को। स्किन होती क्या है? ह्यूमन स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। हमारे जो पांच सेंस ऑर्गेन हैं उसमें से स्किन जो है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गेन है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कवर किए हुए है। फंक्शंस ऑफ स्किन की बात करें तो टोटल 8 फंक्शंस हैं। स्किन प्रोटेक्ट करती है, विटामिन डी फॉर्म करती है, अगर आप धूप में बैठे तो विटामिन डी फॉर्म होता है। टेम्परेचर कंट्रोल करती है, अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं हीट है तो वो स्किन के ज़रिए बाहर निकलती है फीवर की फॉर्म में। सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी पे आके लगे तो आपको चुभता हुआ एक जो प्रिकलिंग टाइप की फीलिंग फील होगी, सेंसेशन। वाटर रेजिस्टेंस, कंट्रोल ऑफ एवेपोरेशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये जो 8 के 8 फंक्शन है ये स्किन के हैं। उसके बाद लेयर्स ऑफ स्किन देखें, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो लेयर है स्किन की उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। यहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस होता है, मेलानिन ये है कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट इन द स्किन। अगर किसी की स्किन में मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ही विल हैव डार्क स्किन, यानी कि ब्लैक कलर होगा, कॉम्प्लेक्शन होगा। अगर कम मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। डर्मिस दरमियान वाली लेयर को कहते हैं, विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये दरमियान वाली लेयर है। डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स और नर्व एंडिंग्स होंगी। उसके बाद है लेयर ऑफ फैट सेल्स, भी इसी में होंगी। कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या हैं? बैड ऑर्डर और एक्नी। बैड ऑर्डर क्या है कि जब पसीना आता है तो उसकी वजह से जो बदबू पैदा होती है उसको बैड ऑर्डर बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि पसीना इटसेल्फ डज नॉट स्मेल, हाउएवर ड्यूरिंग स्वेटिंग अनदर लिक्विड कॉल्ड एपोक्राइन इज ऑल्सो सिक्रेटेड। पसीने की बजाते खुद स्मेल नहीं है, लेकिन उस दौरान जब स्वेटिंग का अमल होता है तो एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसे एपोक्राइन बोलते हैं। व्हेन एपोक्राइन कंबाइंस विद बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट ऑन द स्किन, ऑर्डर रिजल्ट्स। जब ये एपोक्राइन बैक्टीरिया जो स्किन पे मौजूद होते हैं पहले से ही उनके साथ कंबाइन होता है तो एज अ रिजल्ट तब बदबू पैदा होती है। बॉडी ऑर्डर इज़ कॉज्ड बाय पुअर हाइजीन। आपके जिस्म से या आपकी स्किन से बदबू तब आएगी जब आप टाइमली बात नहीं करेंगे, अपने स्किन की सेल सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। फूड्स लाइक अनियंस एंड गार्लिक। एक्नी, चेहरे पे दानों का निकल आना। एक्नी इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑयल फ्रॉम ऑयल ग्लैंड्स मिक्सेस विद डेड सेल्स। अगर किसी की स्किन बहुत ऑयली है, ऑयली स्किन जो है वो डर्ट को बड़ा अट्रैक्ट करती है, उस पर जो गर्दो गुबार जो जम जाता है, और ऑयल जो है वो ऑयल ग्लैंड्स, ऑयली स्किन जिसकी होगी ऑयल ग्लैंड्स ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एज अ रिजल्ट डर्टी फेस ज़्यादा रहेगा। एंड प्लग अप द हेयर फॉलिकल्स इन द स्किन, इट क्रिएटेड अ वाइट हेड। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बैक्टीरियल अटैक भी होगा, ऑयल, बैक्टीरिया, डर्ट, ये सब मिलकर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बना देंगे। अ ब्लैक हेयर इज़ व्हेन हेयर टचेज द प्लग एंड द प्लग टर्न्स ब्लैक। व्हाट मेक्स एक्नी वर्स, कैसे ये चेहरे पे जो दाने हैं ये मजीद बुरे हो जाते हैं? ऑयल बेस्ड मेकअप एंड यूज़ ऑफ जेल्स मेक एक्नी वर्स। कि अगर पहले से ही आपकी ऑयली स्किन और ऊपर से आप ऑयली क्रीम्स लगाएंगे तो वो एक सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन, जब प्यूबर्टी होती है तो फिर हार्मोनल रिलीज ज़्यादा होने लग जाता है, हार्मोनल रिलीज से आपकी स्किन पे एक्नी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉर बॉयज़ इट मे गेट वर्स बिकॉज बॉयज़ हैव मोर स्किन ऑयल। लड़कों में एक्नी का प्रॉब्लम 13-14 ईयर्स की जब एज स्टार्ट होती है, टीन एज जब स्टार्ट होती है तो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। स्क्वीजिंग और पिकिंग एट ब्लेमिशेस। अच्छा, ये है कि जब आपकी स्किन पे दाने हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम फेस को हाथ लगाएं, क्योंकि हाथों पे वैसे ही जरासीम होते हैं, तो जब हम बार बार अपने पिंपल्स को छेड़ते हैं तो वो और ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है, उनकी दाग ज़्यादा अरसे तक रहते हैं स्किन पे। हार्ड स्क्रबिंग ऑफ द स्किन। और एक और वजह एक्नी की ये भी है कि अगर हम स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं किसी क्रीम के साथ या किसी फेशियल क्रीम के साथ। उसके बाद है हाउ टू अवॉइड एक्नी। एक्नी को हम किस तरह रोक सकते हैं? डेली बाथ्स और शॉवर यूजिंग सोप एंड स्क्रबिंग द एंटायर बॉडी विद अ वॉश क्लोथ। रेगुलरली अपना फेस वॉश करें, अपनी पूरी बॉडी को वॉश करें। नॉट नीड टू रब वॉयलेंटली, स्क्रब वॉयलेंटली, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ें। द यूज़ ऑफ एंटी परस्पिरेंट्स डिक्रीजेस परस्पिरेशन, कवर ऑर्डर विद द मेनली स्मेल। अच्छी, मतलब ये है कि ये जो होते हैं एंटी परस्पिरेंट जिससे पसीना कम आता है वो लगाएं, उससे भी बॉडी ऑर्डर का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वॉश द फेस 2 times अ डे विद अ माइल्ड सोप और अ जेंटल क्लिनजर। इट इज़ बेस्ट टू यूज़ लोशन ओनली इफ नीडेड एंड यूज वंस दैट आर ऑयल फ्री एंड वाटर बेस्ड। अच्छा, गर्मियों में स्पेशली ऑयली स्किन ज़्यादा होती है तो कोशिश करें कि ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें स्किन पर लगाने से।
स्किन केयर इसके अलावा टिप्स क्या हैं कि बाथ और शॉवर रेगुलरली यूजिंग सोप, डू नॉट स्क्रब वायलेंटली, ये वही चीज़ आ गई। इफ़ पॉसिबल बाथ और शॉवर आफ्टर एक्सरसाइज। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बाहर से कहीं से चल के आते हैं तो हमारी बॉडी पसीने से भर जाती है, तो एक ये है कि फ़ौरन पसीने के साथ नहीं नहाना चाहिए, पहले अपनी बॉडी को खुश करें उसके बाद नहाएं। स्पेशली आफ्टर स्वेटिंग यूज़ एंटी प्रेस्परेंट, डिक्रीजेज प्रेस्परेशन इन कवर ऑर्डर विद मैनली स्मेल। ये वही वाला पॉइंट ऊपर वाला आया है, जो पॉइंट रिपीट हो रहे हैं वो बेशक आप स्किप कर दीजिएगा, जो इधर हुए हैं लिखे हुए हैं वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वेयर क्लीन क्लोथ, साफ सुथरे कपड़े पहने, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स विच इरिटेट्स द स्किन, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाएं, स्पेशली जिनके एक्नी है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चिकनी चीज़ें खाने से एक्नी का प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाता है, चिकनी चीज़ें जब खाते हैं तो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। वॉश योर फेस 2 times a day। अच्छा, जिनके ऑयली स्किन है वो बेसन के साथ भी मूड होएं तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम, मुल्तानी मिट्टी लगाएं और बेसन लगाएं तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अवॉइड वॉशिंग टू ऑफन एज द स्किन विल बिकम इरिटेटेड और ड्राई आउट, बहुत ज़्यादा भी मत धोने लग जाए नहीं तो इससे स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क और खिंची खिंची फील होगी। कीप ऑयली हेयर अवे फ्रॉम योर स्किन, अवॉइड टचिंग एक्नी एक्सेप्ट व्हेन वॉशिंग, डोंट स्क्वीज और पिक द पिंपल, वही बात के पिंपल्स अगर निकल भी आए तो उनको छेड़छाड़ ना करें उनके साथ। ट्राई टू अवॉइड टचिंग द फेस, अपने फेस को बिला वजह हाथ ना लगाएं, गंदे जरासीम होते हैं हाथों पे। कीप हैंड्स क्लीन और वॉशिंग दैम बाय वॉशिंग दैम ओपन, और अपने हाथों को साफ सुथरा रखें। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन, धूप में निकलने से परहेज करें बिला वजह, वेयर सनस्क्रीन एंड रीअप्लाई इट आफ्टर एवरी आवर, अगर धूप में निकलना भी है तो अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगा लें या कोई क्रीम लगा लें। वेयर अ हैट, टी शर्ट और सनग्लासेस, आंखों के लिए सनग्लासेस लगाएं और टोपी पहने और लड़कियां स्कार्फ के साथ अपना हेड कवर करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी पिएं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम यूवी रेज। तो ये है टॉपिक स्किन हाइजीन का।